मैं समझता हूँ कि ये अत्यधिक चिंता का विषय है और सरकारों के लिए, केंद्र की हो या राज्य की सरकार, उसके लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है। पता नहीं इसमें चुनावी राज्य के आंकड़े हैं या नहीं, मैं नहीं जानता। ये भी अपने आप में एक अद्भुत संयोग या प्रयोग है कि चुनावी राज्यों के आंकड़े शून्य पर जाते हैं या दिखते नहीं हैं। बिहार में हमने ये देखा, बाद में फिर बिहार में भी आंकड़े दिखे, तो ये चिंता का विषय है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक तरफ वैक्सीनेशन अगर चल रहा है, एक तो उसको स्केल अप किया जाए, विदाउट डिले स्केल अप करिए। दूसरा, जिस तरह आपने लॉकडाउन के दौरान एक लगातार कम्युनिकेशन में थे एहतियात को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी आई है। बीच रास्ते ही हमने मंजिल पार करने पहुंचने से पूर्व एक दूसरे की पीठ या अपनी पीठ स्वयं थपथपानी शुरू की है। ये कोरोना संक्रमण जैसे महामारी जिसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, उसमें इस तरह की चीज़ें काम नहीं आती। एमके स्टार राहुल गांधी को अपोजिशन को लीड करना चाहिए, एक रोल प्ले करना चाहिए। उन्होंने एक संदर्भ में कहा कि एक टोटलिटेरियन निजाम जो दिल्ली में स्थापित हो चुका है और जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, किसी राज्य की व्यवस्थाएं बदल देते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो या हालिया गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली हो, मैं समझता हूं उसके मद्देनज़र उन्होंने आग्रह किया और ये आवश्यकता है कि पूरे देश में एक इस तरह का एक वैकल्पिक एक स्वरूप तैयार किया जाए जहाँ लोग अपने आप को एक विकल्प पाएँ, एक साफ सुथरा बेहतर विकल्प, लोकोन्मुख विकल्प पाए। राहुल गांधी राष्ट्रपति ने जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल दिल्ली था 2021, उसको स्वीकृति दे दी है, जिसमें एलजी को ज्यादा देखिए, ये तो एक प्रक्रिया है जब एक बार आपने सदन से पास कर लिया, लेकिन कई दफा क्या होता है ना, तमाम स्वीकृतियों के बाद जनता स्वीकार नहीं करती है और इस बिल को जनता स्वीकार नहीं कर पा रही है। एक निर्वाचित सरकार क्या अपनी परिभाषा बदल दी? जो व्यक्ति निर्वाचित नहीं है, जो जिस पद पर अनिर्वाचित व्यक्ति बैठते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर बैठते हैं, उनको आपने सरकार बता दिया। जाहिर है आपका बहुमत है, लेकिन बहुमत का इस्तेमाल किस प्रकार हो, किस सरोकार से हो, ये सीखने की आवश्यकता है इस निज़ाम को। और महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के लोगों से कि मुझे आपकी कॉन्स्टेंट सपोर्ट की ज़रूरत है, जो अनजस्ट हुआ है, जिस तरह से पावर को स्नैच किया गया, आर्टिकल 370 की बात कर रही हूँ। देखिए सीधी सी बात है कि उनको एक बहुत बड़े, क्योंकि वो तो साथ में थी ना, बहुत खूबसूरत गठबंधन था। उसके जो आर्किटेक्ट थे आजकल दिखते नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि मतलब अभूतपूर्व चीज़ हुई है। उस अभूतपूर्व गठबंधन के दौरान और पश्चात इसकी नींव रखी गई। एक बहुत बड़े मास मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है, तमाम विपक्षी दल एवं सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनको कई सारे मसलों पर बात करनी। सबसे पहला तो फैसला ये होना चाहिए कि यूटी से इसको राज्य में तब्दील किया जाए, क्योंकि ये किसी भी जो राज्य की भूमिका में रह चुके हैं उन लोगों को ये स्वीकार नहीं होता है। उसी तरफ अपने हुए थे एमएलए, पर उसको लेकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 23 लोगों को मुक्त किया गया है। पंजाब के गवर्नर ने न सिर्फ इसकी निंदा की है, राज्य सरकार से रिपोर्ट भी तलब की है। देखिए, मैं सीधे मानता हूँ कि किसान आंदोलन ने जिस खूबसूरत कैनवस का निर्माण किया था बीते 4.5 महीनों में, उसमें इस तरह की अशोभनीय अश्लील हरकत से काले धब्बे लगते हैं। आक्रोश है, लेकिन आक्रोश की परिणति लोकतंत्र में इस तरह के व्यवहार से नहीं होती है। कपड़े उतार देना, जूता फेंक देना, स्याही फेंक देना, ना, मैं समझता हूं कि, लेकिन 7 वर्षों में ये जो एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, विरोध का कोई भी, ये तरीका उचित नहीं। और मैं आग्रह करूंगा सरकार से भी, बहुत महीने बीत चुके, अब हठधर्मिता त्यागिए। अपने लोग हैं आपके, इन्होंने ये गोदाम भरते हैं, इससे फूड सिक्योरिटी आपकी इंश्योर होती है। इनकी सुनिए और इनके हिसाब से चीजों को वापस लाइए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।